तीर्थ महाराज के मुखारविंद से श्री व्यास देव जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं हम सबके सब श्री व्यास देव जी के, हम सबके सब ऋणी, क्योंकि श्री व्यास देव नहीं होते तो इतना ग्रंथ प्रकाशित नहीं होता। अगर ग्रंथ प्रकाशित नहीं होता तो हमें भगवत संबंधित विषय में हमें ज्ञान ही नहीं मिलता। इसलिए हम सबके सब श्री व्यास देव जी के चरण में हम सबके सब ऋणी हैं। अभी यहाँ प्रश्न होता है, श्री कल तो श्री व्यास देव जी जन्म हो गए, अरे हम अपना गुरुवर्गों का क्यों पूजा करते हैं, अपना गुरु जी को क्यों पूजा करते हैं, अरे व्यास देव जी को क्यों नहीं पूजा करते हैं? कहते व्यास का मतलब होता है विस्तार करना। जिन्होंने सारे वेद पुराण उपनिषदों को जीव के कल्याण के लिए जिन्होंने विस्तार किया, अभी हमारे गुरुपाद पद्म भी उसी परंपरा में वही काम कर रहे हैं। गुरु जी क्या कर रहे हैं, भगवत कथा को दुनिया में विस्तार कर रहे हैं, भगवत कथा को दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हम अपना गुरु जी को भी श्री व्यास देव कहते हैं। इसलिए कहते श्री जो व्यास देव हैं, हम अपना गुरु जी को क्या कहते हैं, किसी से अभिन्न श्री व्यास देव है। कहते हम व्यास के चरण में हम क्यों इतना ऋणी हैं, कारण है अभी आप लोग ने श्रवण किया है। इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथों को बताया, क्योंकि जब व्यास देव ने सारे ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। उन्होंने अलग अलग पुराण में उन्होंने अलग अलग देवा देवियों को उन्होंने महिमा को गाया। जब बड़े दुखी होकर के बैठे हुए थे, तब श्री नारद जी वहाँ पर आते हैं और श्री व्यास देव का असंतोष का कारण यहाँ पर बताते हैं। अभी प्रश्न है, क्या व्यास देव को पता नहीं था इस बात? अभी महाराज जी बता रहे थे ना, व्यास देव कौन है? बोले व्यास नारायण स्वयं, ये स्वयं नारायण है। क्या स्वयं नारायण होकर के भ्रमित हो सकते हैं? पर ये नारद जी उपदेश पर क्यों किया है? हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जब तक कोई गुरु परंपरा में कोई नहीं आए हैं, जब तक गुरु परंपरा कोई ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक तुम जितने बड़े विद्वान क्यों नहीं हो, कहते शास्त्र का रहस्य को तुम नहीं समझ सकते। इसलिए कल तीर्थ महाराज जी एक अच्छी बात बता रहे थे, हमारे मथुरा में बहुत बड़े बड़े पंडित सप्तीर्थ अष्टतीर्थ इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, जो एक घंटा में 100 श्लोकों को जो वर्णना कर सकते हैं, लेकिन जब गुरु जी के पास में आते थे, गुरु जी बताते थे तुम्हारी गुरुदेव कौन है, बोले गुरुदेव कोई नहीं। बोले गुरुदेव अगर कोई नहीं है, तुम्हारी विद्या सबके सब बेकार है, तुम्हारी विद्या सबके सब जीरो है, हैं, तुम्हारी विद्या की कोई फल नहीं है, जब तक तुमने जीवन में गुरु ग्रहण नहीं किया है। इसलिए बोले जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थानी एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणी चैतन्य भक्त रे तुम्हें नित्य कर संग तवे तो बुझे तुम्हें सिद्धांत करेंगे। अगर शास्त्र का रहस्य को अगर समझना हो, गुरु करण तुम्हें करना ही पड़ेगा। जब तक तुम गुरु करण नहीं करते हो, शास्त्र का जैसे समुद्र मंथन से 20 भी निकला और समुद्र मंथन से अमृत भी निकला, अगर बगैर गुरु जी के, अगर डायरेक्ट वैष्णव के अगर शास्त्र ग्रंथ पढ़ना चाहोगे ना, केवल जहर ही जहर मिलेगा तुमको, केवल बीस ही बीस मिलेगा, अमृत नहीं मिलेगा तुम। इसलिए भागवत में कहते हैं सुख मुखात अमृत द्रव संत, कहते भागवत तो मीठा मीठा है ही है, लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी उसमें चोंच मारे, उसमें विशेष रस आए। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण ही, जब तक श्री गुरु जी की परंपरा से तुमने ये भागवत ग्रंथ का अध्ययन नहीं करोगे, तब तक तुमको ये रस प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए स्वयं यहाँ पर व्यास देव स्वयं नारायण होते हुए भी ये जगत को शिक्षा देने के लिए श्री नारद जी आकर उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। बोले देखो जथा धर्म दया सुचार था मुनि परिज्ञान कीर्ति का
न तथा वासुदेवस्य महिमा जनवर्धित। तुमने दूसरे दूसरे धर्म को ऊपर में जितने तुमने बढ़ा चढ़ा करके बताया तुमने, उतना तुमने दिल खोल करके भगवान की महिमा को तुमने नहीं गाई, इसलिए तुम्हें शांति संतोष नहीं मिल रहा। और विशेष करके श्री व्यास देव, अभी तीर्थ महाराज बहुत अच्छी अच्छी बात बताया करते थे, इसलिए विशेष करके भागवत में पांच भक्तों का नाम वहां पर आते हैं, जिसको बाद में वही व्यास देव ही श्री सनातन गोस्वामी कहते, व्यास मतलब जो विस्तार करते हैं, मानो श्री सनातन गोस्वामी रूप में उन्होंने श्री बृहद भागवतावृत ग्रंथों को रचना की, जिस ग्रंथ में उन्होंने पांच तरह का भक्तों का नाम लिया, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमा पर और प्रेमा दूर, ये वहाँ पर पांच भक्तों का उन्होंने नाम लिया। कहते प्रेमातुरु भक्त कौन है, बोले श्री उद्धव जी, ये उद्धव जी, बोले उद्धव जी कौन है, बोले उद्धव जी के लिए बताइए, कृष्ण स्वयं कहते हैं उद्धव तू मेरे जितने प्रिय हो, कहते मेरे बेटा ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, बोले ब्रह्मा की बात छोड़ दो, हरिहर एकात्मा शंकर भी इतना प्रिय नहीं, बोले शंकर जी की बात छोड़ो, मेरे हृदय में रहने वाले अंक साहिनी लक्ष्मी भी इतना प्यारी नहीं, बोले लक्ष्मी की बात छोड़ो, कहते मेरे अभिन्न स्वरूप से बलदेव रो भी इतना प्रिय नहीं, बोले बलदेव की बात छोड़ो, मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं, हे उद्धव तुम जितने प्रिय हो। लेकिन यही उद्धव जब ये ब्रज में जाते थे, जब उन्होंने ब्रजवासियों को प्रेम, फिर उन्होंने श्री सखाओं का प्रेम, मैया जसोदा की, गोपी की, जब श्री राधा रानी के प्रेम को दर्शन करते हैं, जहाँ पर कहते बुद्ध शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, और ज्ञान बजाए डुबडुबी बाजे बाजे प्रेम की ढोल, जहाँ पर उन्होंने राधा रानी के प्रेम की चमत्कारिता को देख करके उद्धव जैसे व्यक्ति भी चकाचौंध हो गया, और उन्होंने क्या प्रार्थना करते हैं है उद्धव जी, कहते कैसे क्या मेरा कभी सौभाग्य होगा, वृंदावन गुलमलता औषधि नाम, वृंदावन में गुलमलता औषधि वृक्ष रूप में उन्होंने जन्म लेने के लिए प्रार्थना की, और बंदे नंद ब्रज श्री नाम पाद रेणु अभिस्मत्स, उन्होंने दूर से श्री किशोर जी की राधा जी की चरण की एक धूल को उन्होंने वंदना करते हैं, एक धूल को राधा जी की धूल की वंदना करते हैं, इसलिए हम क्यों श्री व्यास देव जी के चरण में हम इतने क्यों ऋणी हैं, क्यों श्री व्यास देव जी को पूजा करते हैं, कारण क्या है, उन्होंने जो अनमोल वस्तु प्रदान की है, जो प्रेम के लिए कभी वही व्यास देव ही केवल इतना नहीं, फिर उन्होंने कलयुग में भी फिर आए, बताओ तो कलयुग में व्यास देव कौन थे, हाँ पंडित जी, इसलिए कहते फिर उन्होंने उतना दिया ऐसे बात नहीं, फिर कली के तुम्हें श्री वृंदावन दास ठाकुर रूप में आते हैं, और आकर के उन्होंने क्या वस्तु दिया, फिर उन्होंने महाप्रभु का प्रेम को प्रदान किया, महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम को प्रदान की, जिसके लिए श्री प्रेमानंद दास ठाकुर कहते हैं, हे मन गौरांग बिना नाही आर, हे नावतार हवे की होए छे, हे न प्रेम परचार, दुर्मती अति पतित पासन्ति, प्राणी नामे मिल करे हरि नाम दिया, हृदय शोधिल जाचिया करे करे। इसलिए महाप्रभु जगत में क्यों कौन सा वस्तु दिया है, इसलिए कहते हैं नम महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, उन्होंने किस प्रेम को दिया, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्पित चले चिराग करुणयावतीर्ण कलौ, वह दुर्लभ प्रेम को प्रदान किया, ब्रह्मा जी एक दिन में एक बार आकर के जो प्रेम को श्रीमन महाप्रभु दिए थे, और इसी समय आकर के ब्रह्मा शंकर नारद भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, महाप्रभु ने आकर उन्होंने, बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं,
ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, बल्कि बजाइया कर ताल, केवल थोड़ी सी ताली बजा कर दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतने से, बस इतने से हमारी महाप्रभु प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वही वृंदावन का ठाकुर व्यास रूप में आकर के श्रीमान महाप्रभु का प्रेम को प्रदान करते हैं। इसलिए भागवत के एकादश स्कंध में बताए, संत तृतीया द्वापर युग का लोग भी कलयुग में महाप्रभु का भक्ति को पाने के लिए हैं, कहते इंसान रूप में कलयुग में आएंगे और आकर के महाप्रभु धारा में वो भजन करेंगे। इसलिए आप लोग जो तिलक कंठी धारण किया ना, समझो आप सत्य तृतीया युग में सप्त सौ बड़े बड़े देवता लोग हैं। एकादश स्कंध में बात बताया, आप लोग साधारण नहीं है, कहते कलयुग में ये लोग आकर के महाप्रभु धारा में महाप्रभु को भक्ति करेंगे। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर रूप में आकर उन्होंने श्री गौरव प्रेम को, श्रीमन महाप्रभु को जो अनंत चरित्रा प्रेम को, वो निकुंज सेवा को प्रदान करने वाले कौन, बोले श्री व्यास जी है श्री। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक अच्छी बात बताते हैं, ध्यान देकर सुनो, भक्ति विनोद ठाकुर एक अच्छी बात बताते हैं। इसलिए क्यों बताया, अनर्पित चरित्रा, जो प्रेम को उन्होंने बहुत दिन पहले ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग पहले जो दिए थे, अभी वो प्रेम को आकर के दे रहे हैं, इसमें क्या विशेषत्व है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक अच्छी बात बताई, जो केवल कृष्ण भक्ति करते ही कहते उनको क्या मिलेगा, अगर गोपियों की अनुव्रत में करते हैं केवल उनको ब्रजधामी मिलेगा, राधा जी की निकुंज सेवा मिलेगी, लेकिन महाप्रभु का आनुगत्य में जो भजन करेगा जुगल सरकार की, बोले उनको जो सिद्धि प्राप्ति होगी ना वस्तु सिद्धि में, कहते एक साथ में दो स्वरूप प्राप्त होगा, एक कृष्ण लीला में एक रूप धारण करते हुए निकुंज में सेवा, और एक महाप्रभु को धारण में सेवा मिलेगा। जैसे श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु लीला रूप गोस्वामी कृष्ण लीला रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी कृष्ण लीला में कौन है श्री लबक मंजरी, कहते श्री महाप्रभु लीला में सनातन गोस्वामी स्वरूप दामोदर रूप में, महाप्रभु लीला में स्वरूप दामोदर है, कृष्ण लीला में बाबा सब पंडित हुए थे, अच्छी बात। इसलिए कहते इसलिए एक साथ में कहते उनको एक साथ में उनको दो धाम में है, ये दो धाम में उनको दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, दोनों हाथ में उनकी लड्डू लड्डू है। इसलिए इसलिए प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात कहते, कल गुरु पूर्णिमा गई ना वृंदावन जो गए होंगे पता होगा, गाड़ी बड़ी दूर से रोक ली जाती है, अंदर में घुसने डिस्टेंस थी, वहां पर तो आश्रम आश्रम में गुरु गुरु पूजा रहे, आश्रम कुछ भक्त यहाँ आना चाह रहे थे, बोले महाराज इतने भीड़ हम निकल नहीं पा रहे, हम निकल नहीं पा रहे, इतने हजार लाख लाख लोग भीड़ थी। लेकिन प्रभुपाद एक अच्छी बात है, वहां पर सबका गुरु का तो भीड़ वहां पर है, कोई ज्ञानी का गुरु, कोई योगी, कोई भक्ति है, कोई कर्मी, कोई रामानंद संप्रदाय में आश्रित, कोई रामानंद संप्रदाय में आश्रित, कोई है कहते श्री संप्रदाय में, कोई विष्णु स्वामी संप्रदाय में, कोई निम्बार्क संप्रदाय में, यद्यपि अलग अलग भी गुरु है, वैष्णव संप्रदाय में भी गुरु है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं लेकिन गुरु का जो सर्वश्रेष्ठ देन है कौन, किसकी गुरु पूजा सार्थकता है, गुरुदेव कौन सा वस्तु दे जो सर्वोत्तम प्रेम हो। श्री प्रभुपाद कहते हैं जिन लोगों ने श्री महाप्रभु की धारा में आए, श्रीमन महाप्रभु को धारा में जो आए, महाप्रभु की धारा में जो गुरुदेव है वो जो प्रेम को प्रदान कर रहे हैं जीव को, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार जो प्रेम प्रदान करते हैं, इनका जो देन है ये सर्वश्रेष्ठ देन है। इसलिए कहते हैं महाप्रभु के लिए श्लोक लिखते हैं, सामर्थ शास्त्र विवदया रस दया प्रबिल उन्म दया, और उसके बाद में तब दया अमंत उदय दया, मतलब महाप्रभु की जो दया है वो सब सर्वश्रेष्ठ दया, जिन्होंने शिष्यों को महाप्रभु को लाइन में ला करके महाप्रभु की अनुगत्य में श्री जुगल सरकार की विशेष करके श्री रूप रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण में, जिसको नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं
रूप रघुनाथ बदे हाई बे अगोदे कबे हम बोझब से जोगला पीते रूप रघुनाथ बदे रघु कुमार वास प्रार्थना करे सदा नारोतम दास। इसलिए अगर इनकी अनुगत्य में अगर जो सेवा प्रदान करते प्रभुपाद कहते हैं वो गुरु पूजा सर्वश्रेष्ठ गुरु पूजा है, वो गुरु पूजा सर्वश्रेष्ठ गुरु पूजा। प्रभुपाद कहते हैं बोले भैया सबके सब तो व्यास जी के चरण में, हम क्या समझते हैं गुरु गुरु पूजा है, हैं गुरु पूर्णिमा गुरु जी के लिए फूल की माला ले चलो, कुछ प्रणाम ले चलो, कि तो कपड़ा लता कुछ दे दिया, बस गुरु जी की सेवा पूजा हो। कहते यही क्या गुरु पूजा है? प्रभुपाद कहते ये क्या गुरु पूजा है? हाँ ये तो उपचार को होनी चाहिए, जिसको कृष्ण कहते हैं तदबीति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सर्वया। गुरु जी के पास में तीन वस्तु लेकर जानी चाहिए, प्रणिपात मतलब संपूर्ण रूप में अहंकार छोड़ करके गुरु जी के चरण में शरणागति, गुरु जी की सेवा और प्रश्न, ये तीन चीज करनी चाहिए, ये तो औपचारिक होनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं बोले भैया असली गुरु पूजा क्या है? हाँ असली गुरु पूजा है बोले श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा सो बता। तो असली गुरु पूजा क्या है? बोले गुरु जी की अभीष्ट को जानो, इच्छा को जानो, उनकी इच्छा को जान करके उनकी इच्छा के अनुरूप जो सेवा करते हैं ना वही असली गुरु पूजा। प्रश्न ही फिर गुरु जी का क्या अभिष्ट है? बोले गुरु जी का दो अभिष्ट है, अगर दो चीज का अगर कोई पूर्ण कर पाए तो समझ जाना गुरु पूजा तुम्हारी हो गया। बोले गुरु जी का पहला क्या अभिष्ट है? क्या गुरुदेव यही चाहते हैं चले आए इसलिए चेला बनाए? जैसे दूसरे दूसरे संप्रदाय में होता है ना, आप कुछ जानते हो सब बड़े बड़े गुरु जी को वो क्या करते हैं, वो चेले का एक बिजनेस है, हैं बैठ जाओ जितनी कथा में आए ना बैठ जाओ, और मेरे पास में सारे मंत्र है, दुर्गा की मंत्र भी है, शंकर जी की मंत्र भी है, काली की मंत्र भी है, और गणेश का सबका मंत्र, मैं सब मंत्र बोल देता हूँ, जो जिसको अच्छा लगता है ना वही मंत्र ले लेना। बोले क्यों? वो सोचते नहीं गुरुदेव क्या चेला मांस खाता कि नहीं, शराब पीता कि नहीं, प्याज लहसुन छोड़े कि नहीं, चाय छोड़े कि नहीं, कोई विचार नहीं, आओ जितने बैठे मंत्र सुन लो बस मेरा चेला हो गया। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले गुरु बहव संती शिष्य पित बाहर का। बोले पार्वती शिष्य का संपत्ति हड़पने वाले बड़े बड़े गुरु जी हैं, लेकिन दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संताप हर ग, जो जीव का जो दुख है शिष्य का जो दुख है इसको दूर करने वाले गुरु पार्वती जगत में दुर्लभ है, ये बड़े दुर्लभ है। इसलिए गुरु जी की जो एक इच्छा है, क्या इच्छा है? जब श्री ध्रुव महाराज वैकुंठ विजय कर रहे थे उसी समय नारद जी बिना बजा बजा करके उछल उछल करके नाच रहे थे। बोले क्यों? बोले आज मेरी कृपा से एक शिष्य ने निष्कपट रूप में भजन करते हुए आज वैकुंठ विजय कर रहा है। इसलिए गुरु जी की ये पहला इच्छा है निष्कपट बन करके शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति का। हमें तुमसे कोई चीज नहीं चाहिए, एक चीज। इसलिए इनका नाम शिष्य, शिष्य मतलब क्या है? गुरु जी का जो शासन को जो स्वीकार करे, ऐसे नहीं गुरु जी थोड़ी सी कोई उल्टा पुलटा किया पर डांट लगा दिया ना, बोले हम ऐसे करके थोड़ी, हम बहुत लिखे पड़े हैं, हमारे घर में किसी कमी नहीं, इसलिए आए आपसे डांट सुन लगे हम जा रहा बस उठाया बिस्तरा। ये शिष्य नहीं, शिष्य मतलब है गुरु जी का जो शासन को स्वीकार करे, है। इसलिए पहला इच्छा है गुरु जी की शुद्ध रूप में भगवान की निष्कपट होकर के अपना जो ठाकुर जी के चरण में, गुरु जी के चरण में जो कुसुम चढ़ा है ना, फूल का एक नाम कुसुम है और उसका नाम है सुमन। सुमन मतलब क्या? अच्छा मन है, जो गुरु जी के चरण में अच्छे मन को दे दो, बस गुरु जी के हाथ में सब कुछ समर्पण कर दो, गुरु जी जैसे चलाए वैसे चला, अपना स्वतंत्रता मत रखो। ये पहला गुरु जी का इच्छा है। दूसरी इच्छा क्या है? बोले महाप्रभु का जो अभिष्ट है, जो सारा दुनिया में महाप्रभु को जो इच्छा सर्वत्र है ऐसे वो सारा दुनिया कृष्ण प्रेम में मतवाला बन करके हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। महाप्रभु का वाणी सर्वत्र प्रचार हो। अगर हम गुरु जी की ये इच्छा को पूरी करते हैं तो समझो आज हमारी गुरु पूजा करना सार्थकता हो। अभी बहुत सारी कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि, और बहुत सारे महाराज हम लोग अच्छी अच्छी बात बताएंगे। हम यहीं बोल करके अपना बंद कर वो विश्राम करता हूँ। बच्चा कल कृपा से